जो परंपरा है आ गया हम लोग का माला से, जो इसको देता है जो आ गया है तो वहीं पर देते हैं। शराब पीने वाला तो पीबे कर रहा है अभी भी, पहले से भी ज्यादा मिलता है, ऑनलाइन मिल रहा है। लोगों के मन में लालटेन को लेकर एक डर का माहौल है बिहार में। सबके मन में ये रहता है कि अगर लालटेन की सरकार आ गई तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। लोग जैसे अभी रात में 10 बजे 12 बजे रात को घूम पाते हैं सड़क पे, उस हिसाब से नहीं घूम पाएंगे। शराबबंदी, भले हम नीतीश के समर्थक हैं लेकिन शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी कहीं नहीं है। शराब मतलब बिक रहा है। इवन लोग जो पीने वाले लोग हैं, जो पहले 10 रुपये का शराब खरीदते थे, उनको आज के डेट में वही शराब 25 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। आजकल नेता लोग जो है ना, लॉलीपॉप बहुत देता है लेकिन बाद में लॉलीपॉप छीन लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। लालटेन ने चारों सीट पर लालटेन जो है वो हार चुकी है और एनडीए ने भारी मतों से अपनी जीत हासिल की है। तो आइए, गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद है और आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि तेजस्वी यादव को इतना पसंद करते हैं, वोट करते हैं, उसके बाद भी तेजस्वी यादव बिहार में उपचुनाव में क्यों चारों सीट से हार गए। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज उपचुनाव के रिजल्ट्स आ गए हैं, उसके बाद भी आज देखा गया है कि लालटेन बुझ चुका है बिहार में, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो गया है तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं जो क्यों हो गया है। हम लोग का कहीं पर नहीं, उनको कमजोरी है, एक कमजोरी के अनुसार से वो मतलब पीछे गया। बाकी हम लोग तो लालजी टोला से पूरे उन्हीं के वोट देते हैं। आप तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। उसके बाद मतलब ऐसा क्या काम वो करते हैं कि आपको अच्छे लगते हैं तेजस्वी यादव? देखिए, उनको क्या अपना, उनको जितना समझदारी है उतने में आगे में चलते हैं। बाकी रह गया कि यहाँ गरीब जो सत्ता में, जैसे रह गया कि जो सीनियर है वो सीनियर का ज़्यादा देखभाल होता है, गरीब को पीछे में कोई नहीं पड़ता है, उसको दबाव है। फुटपाथ पर भी दुकान कारोबार भी किया हुआ है तो उसको उजाड़ देता है, खेट करके बिलगा देते हैं। और अगर मैं भाजपा की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, तो बीजेपी ने चारों सीट से जीत हासिल की है। बीजेपी वाले इतना अच्छा काम करें कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उसके बाद भी आप तेजस्वी यादव का नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि जो हम लोग शुरू से उन्हीं को देते आए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब शुरुआत से किसी को देते आए तो वही परंपरा चलती जाएगी, जो काम करेगा उसको वोट देंगे या फिर जो परंपरा चली आएगी वो उसको वोट देंगे? जो परंपरा है आ गया हम लोग का माला से, जो इसको देता है जो आ गया है तो वहीं पर देते हैं, उसी को। और अच्छा, अगर मैं प्रशांत किशोर की बात करूँ, आपने तो प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? सुने हैं। जन स्वराज, अपनी पार्टी नई पार्टी का गठन किया जन स्वराज का, उसके बाद उनके बड़े बड़े इस साल दावे थे, चारों सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उनके बाद उनका कहना था कि वो अगर आप उनको जिताते हैं तो वो शराब लागू करा देंगे। शराब लागू करवाना चाहते हैं आप? नहीं, शराब लागू हम नहीं कराना चाहते हैं। क्यों? नहीं, हम पीते नहीं है, इसलिए कि हमको उससे मतलब नहीं है। आपको लगता है बिहार में शराब चलनी चाहिए? देखिए, शराब पीने वाला तो पीबे कर रहा है अभी भी, पहले से भी ज़्यादा मिलता है, ऑनलाइन मिल रहा है। बाकी अभी तो कोई मतलब रह गया कि अति शराब बंद हो चाहे चले, उससे मतलब हमको नहीं है। और प्रशांत किशोर भी चारों सीट से हार गए हैं लेकिन उन्होंने दो सीट पर अपनी काफ़ी अच्छी प्रदर्शन किया है, तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको नहीं पसंद है प्रशांत किशोर? नहीं, हमको पसंद की बात नहीं है, हमको जो माला से एरिया से जो मिलेगा, जिसको देगा उसी को हम लोग देते हैं। हाँ, तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव के फैन हैं, तेजस्वी यादव को वोट करेंगे, इनके इलाके के भी लोग तेजस्वी यादव को ही वोट करते हैं। एक मैं अगर एक कहूँ तो ये परंपरा है इनके घर की कि मतलब पहले से जो लोग वोट करते हुए तेजस्वी यादव को आते थे तो ये भी उसी को वोट करेंगे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आज बिहार में उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं और ऐसा देखा गया है कि लालटेन यहाँ पर बुझ गया है। तो अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज उपचुनाव के रिजल्ट में ऐसा देखा गया है और लोगों से मैं जब भी बातचीत करती हूँ तो वो यादव के बहुत बड़े फैन होते हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम तो नीतीश और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा देखा गया उसके बाद आज रिजल्ट्स में ऐसा साफ तौर पर देखा गया है कि लालटेन बुझ चुका है, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, लालटेन का काम पहले से भी ऐसा रहा है और लोगों के मन में लालटेन को लेकर एक डर का माहौल है बिहार में। सबके मन में ये रहता है कि अगर लालटेन की सरकार आ गई तो लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। लोग जैसे अभी रात में 10 बजे 12 बजे रात को घूम पाते हैं सड़क पे, उस हिसाब से नहीं घूम पाएंगे, तो इसलिए लोग लालटेन को मतलब ज़्यादातर लोग नापसंद करते हैं। और आप जैसे कि भाजपा के फैन हैं, नीतीश कुमार के फैन हैं, तो ऐसा आपको क्यों नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं?
आप इस पटना को ही देख लीजिए, आज से आप 15-20 साल पहले का पटना देखिए और अभी का पटना देखिए। पटना में जितना फ्लाईओवर बना है, पटना में जितना डेवलपमेंट हुआ, इस गांधी मैदान का आप डेवलपमेंट देखिए, जो आज से 20-25 साल पहले इस गांधी मैदान का क्या हाल था, अभी कैसे डेवलप हुआ है। तो उस हिसाब से हम नीतीश को या बीजेपी समर्थित सरकार, आज तो NDA चारों सीट पर जीत गई है, तो क्या इस चीज़ को लेकर आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक उसके समर्थक होने के नाते खुश हैं। अगर मैं एक नई नवेली पार्टी जन स्वराज की बात करूं, जन स्वराज 2 अक्टूबर को ये पार्टी हुई, पार्टी बनी, उसके बाद ये इलेक्शन इन लोगों ने अब चारों सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे और इनको ओवर कॉन्फिडेंस था प्रशांत किशोर को कि वो जीत जाएंगे, तो आपको इस बारे में क्या कुछ लगता है? नहीं नहीं, प्रशांत किशोर का शुरुआत के हिसाब से आप सही बोलिए, क्योंकि उनको जो मेरा अभी मेरी जानकारी है, अभी तक उनको शायद 8 या 10% उनको भी वोट आया है। तो अगर ये किसी जो पार्टी महीने दिन पहले बनी है, 10 दिन पहले जिस पार्टी को अभी सिंबल मिला है, 70,000 वोट मिले हैं उन्हें, अगर उनको 70-80,000 वोट मिल रहा है तो मेरे समझ से शुरुआत बहुत अच्छा है। और लगता है कि आगे वो कुछ बड़ा नाम बना पाएंगे जन स्वराज का? जी जी बिल्कुल, बिहार में मतलब अगर जरूर हम उनके समर्थक हैं कि हम बीजेपी को समर्थन देते हैं, लेकिन एक विकल्प तो होना ही चाहिए और विकल्प तेजस्वी जैसा नहीं होना चाहिए, विकल्प जन स्वराज जैसा कोई साफ सुथरा पार्टी हो, तो बिल्कुल उनको भी समर्थन करेंगे। और जैसे कि अगर मैं प्रशांत किशोर की बात करूँ, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर मेरी लोग जीत जाते हैं, मेरी उम्मीदवार जीत जाते हैं, तो बिहार में हम शराब लागू करवा देंगे, तो आपको ये क्या आपको ये सेंटेंस अच्छा लगता है, सही लगता है आपको? देखिए वैसे तो आप नैतिकता के आधार पर देखिए तो शराब का विरोध करना सही है, लेकिन शराबबंदी, भले हम नीतीश के समर्थक हैं, लेकिन शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी कहीं नहीं है, शराब मतलब बिक रहा है। इवन लोग जो पीने वाले लोग हैं, उन जो पहले 10 रुपये का शराब खरीदते थे, उनको आज के डेट में वही शराब 25 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो शराबबंदी को मतलब लागू करके उसके ऊपर आप अपना कानून ऐसा बनाएं कि लोग सड़क पे उतर के ये नहीं कर पाएं, बाकी शराबबंदी है नहीं एक्चुअल में कहीं है। लेकिन उनका ये जनता को इस प्रकार का लालच देना कि अगर आप हमें जितवाते हैं तो हम शराब लागू करवा देंगे, ये सही बात है? मतलब कुछ हद तक अगर आप उसको आर्थिक तरीके से देखें कि मतलब जो पैसा आता है, जैसे हम लोग दूसरे स्टेट से 10-15 रुपये महंगा पेट्रोल बिहार में हम लोग ले रहे हैं, तो वो ये क्या ये शराबबंदी का ही असर है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आ रहा है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है, मतलब उनका सोच का थोड़ा हम समर्थन जरूर करते हैं। आप चाहते हैं कि शराब लागू हो जाए बिहार में? बिल्कुल, क्योंकि ऐसे भी लागू हैं ही, मतलब वो नाम के लिए बंद है, बाकी वो तो चल ही रहा है, वो सब जानते हैं, आप लोग भी जान रहे होंगे, तो इसलिए वो लागू हो जाए तो फिर ठीक है कि कम से कम हम लोग 10 रुपये महंगा पेट्रोल तो ना लेना पड़े हम लोगों को। आपको लगता है कि अब राजद का मतलब आगे भी विधानसभा में भी यही प्रदर्शन रहेगा? राजद का क्या है ना कि उनका मतलब जाति और धर्म वाला है, मतलब मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर चलते हैं, तो मुस्लिम यादव का तो वोट उनको मिलना ही है क्योंकि उसी समीकरण की पार्टी है, लेकिन बाकी जो लोग हैं शायद उनको समर्थन उस हिसाब से ना करें। धन्यवाद अंकल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा, मतलब बीजेपी के सपोर्टर हैं और राजद की बात अगर हमने की है तो तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मतलब जातिवाद काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं। कास्ट चाहिए, प्रगति चाहिए, रोजगार चाहिए, इस मुद्दा पर जनता वोट करता है। अब तेजस्वी यादव तो नौकरी देते हैं, उसके बाद भी उनको उपचुनाव में एक भी वो मतलब वोट मिले लेकिन वो जीत नहीं पाए एक भी सीट। नौकरी देना एगो कहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो पब्लिक को दिया तो पब्लिक उसको चुना। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने चारों सीटों नहीं जीती है, इसमें उनकी गलती है, उन्होंने कोई ना कोई गलती की होगी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, तभी तो अगर सब चीज़ ठीक रहता तो सब चीज़ ठीक होता। और आप किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट हम उसी को करते हैं जो विकास का काम करता है। जो विकास, अगर मैं आपसे विधानसभा चुनाव की बात करूं 2025 के, तो आपको लगता है राजद अपना खाता खोल पाएगी? देखिए अब वो तो उस समय का उनका कार्यकलाप उनका सब अथी बताएगा, इसमें हम भविष्यवाणी कोई आदमी कैसे कर सकता है? लोग तो वोट करते हैं, आप लोग ही तो बता सकते हैं। लोग ही वोट करते हैं तो वही तो जिसका जो दृष्टि है, सोचने का तरीका है, जो हर आदमी का, तो उस अनुसार वोट करता है जो चाहिए जनता को। आपको आपको इस विषय में क्या? आजकल नेता लोग जो है ना लॉलीपॉप बहुत देता है, लेकिन बाद में लॉलीपॉप छीन लेता है, इसीलिए ऐसा होता है। आज अरविंद केजरीवाल का क्या हुआ, यही सब ना हो रहा है। तो तेजस्वी यादव का भी नहीं चलेगा, आपको लगता है तेजस्वी यादव का केजरीवाल वाला हाल होगा? नहीं नहीं नहीं, तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया नेता है, ऐसा नहीं है, नेता बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको चलने दे तब तो, पार्टी का आदमी नहीं चलने देता है।
तो इसलिए उसको चलने देना जरूरी है। और बहुत अच्छा तेजस्वी यादव नेता है हम लोगों के। मैं रितीश कुमार की बात करूं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है आज के उनके रिजल्ट्स में, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? नीतीश जी पहले खूब बढ़िया काम किए हैं, अब इधर थोड़ा सा लूज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, नीतीश जी भी बढ़िया नेता हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार थके हुए नेता हैं? नहीं, नेता तो बहुत अच्छा है और वो गुरु हैं, नेता के मामले में गुरु हैं, लेकिन उनको भी जो है सो कि पीछे आदमी लगा हुआ रहता, वो भी मजबूर होते हैं। आप सुने होंगे कि अभी एगो कौन मौलाना उनको निमंत्रण दिया है, तो उन निमंत्रण में नीतीश बाबू नहीं जाने वाले हैं। नीतीश बाबू बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, आज तेजस्वी यादव के साथ भी वो काम किए हैं और आज कर रहे हैं, तो सब ठीक है। थोड़ा सा खाली नेता लोग चलने दे तब ना। अच्छा, अगर नेता लोग चलने दे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हाँ। आपको इस बारे में क्या कुछ लगता है कि आज लालटेन बुझ गया है इस बारे में? लालटेन बुझिया कहाँ बुझिया, राजद जो है वो चारों सीट से बिहार में उपचुनाव में हार चुकी है। हार गई है? हाँ। तो फिर जीत जाएगी, कोशिश करेगी विधानसभा चुनाव में, तो फिर जीत जाएगी आगे। तो अभी तो हार गई है ना, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ गलती किए होंगे कुछ तो? नहीं, क्या पब्लिक का दिमाग है, कभी किधर घूम जाए कभी किधर घूम जाए। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।